हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैन यू सी मी? गुड मॉर्निंग, कैन यू सी मी? कैन यू हियर मी बच्चों? गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे मैम आजकल यहाँ कैसे, अभी आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा कल तक तो कम से कम, और उसके बाद सिनेरियो क्या होगा बताती हूँ क्या है। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से लिंक शेयर कर लीजिए सो वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूँ, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ। अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है, सिंपल सा स्टेप है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आप वहाँ क्लिक करेंगे। वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो नीट यूजी भरिएगा, प्लस या आइकॉनिक में से किसी भी एक को आप चूज कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से 1, 3, 6, 12, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये फीस ऑलरेडी डिस्काउंट के बाद शो हो रही है, अदरवाइज फीस ये नहीं है बेटा, फीस ये है। फॉर 3 मंथ इट इज 17,500, इट इज 28,000 एंड इट इज 38,500 लेकिन आपको इतना नहीं पे करना होता। प्रोसीड टू पे के पहले ऐसे गिफ्ट वाउचर बना एक ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पर आप एक कोड अप्लाई करेंगे जो आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी। शिवानी कोड अप्लाई करके अगर आप पेमेंट करते हैं तो एक तो आपको आपकी फ़ीस पर सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको 10% का डिस्काउंट आपकी फ़ीस पर यहाँ पर मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कैसे मुझसे कांटेक्ट करोगे आप? सिंपली unacademy.com @shivani1990 यहाँ मुझे फॉलो करो। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके ड्रैग करोगे बेटा तो नीचे मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए किन कांटेक्ट में ही अराइवल रिवर्ट टू द पॉइंट, अपना क्वेरी लिखो आई विल रिवर्ट, ठीक है। नए चैप्टर की शुरुआत आज हम लोग करेंगे, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे बेटा। आपके सेशंस का जो भी शेड्यूल होगा आई विल लेट यू नो वेरी सून। दिन की और भी क्लासेस के बारे में रीजन मैं बता देती हूँ। मेरे घर के अंदर सभी लोग कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हो चुके हैं, तो मेरे हस्बैंड का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, मदर का भी पॉजिटिव आया है, ठीक है। मैंने भी कोरोना टेस्ट करवाया था कल, कोविड टेस्ट, लेकिन मेरा फिलहाल रिपोर्ट ज़रूर नेगेटिव है। लेकिन आज मैं दोबारा से कोविड टेस्ट के लिए जा रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑल द सिम्टम्स। मुझे फीवर भी है, मुझे गले में भी पेन है, मतलब जो भी सिम्टम्स हैं वो सारे, जुकाम भी है और अब खांसी भी हो गई है, सारे सिम्टम्स मुझे भी हैं, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट ज़रूर नेगेटिव आई है तो वो फॉल्स नेगेटिव ही होगा, एवरीबडी और भगवान ने चाहा तो वैसे सही, अगर नेगेटिव ही रहा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थिंग इज दैट कि सब कोई पॉजिटिव है, सिर्फ मेरा भी पता नहीं है। और क्योंकि आप लोग को पता होगा पीयू बहुत छोटी है तो सेम फ्लोर पर उसे रखना सेफ नहीं था, इसीलिए सर ऊपर वाले फ्लोर पर है जहाँ मेरा स्टूडियो है। तो स्टूडियो पर भी कोरोना को क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर प्रोफेशन ले रही हूँ अभी। और पीयू अभी जैसे ही सो के उठेगी उसे शिफ्ट कर देंगे हम लोग दूसरे घर पे, उसकी नानी के यहाँ, क्योंकि वो यहाँ पर सेफ नहीं है। हाँ बेटा वही कह रही, मैं वही करवाने के लिए आज जा रही हूँ क्योंकि तबीयत मेरी लगातार खराब होती जा रही है रात से, ठीक है। तो मेरी जितना हेल्थ मुझे परमिट करेगी उतना मैं रुक सकती हूँ बेटा, आप लोग के लिए उतना सेशंस मैं करूँगी। जहाँ मुझे लगेगा मैं नहीं कर पाऊँगी तो आई विल लेट यू नो दिस वेरी सून। अगर हो सकता हूँ पर्टिकुलर टाइमिंग्स में मैं क्लास ना ले पाऊँ और दूसरे टाइमिंग्स पर मैराथन वगैरह कुछ ऐसे करना पड़ा तो आई विल डू दैट।
ठीक है, ये सारा अनाउंसमेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बच्चा, बट तबीयत अभी थोड़ा सा नासार चल रहा है, टाइम ही ऐसा है कि क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें, आज नया चैप्टर हमें शुरू करना है। चलो रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19, वेरी गुड। इसीलिए क्योंकि आई हैव ऑल द सिम्टम्स पॉजिटिव और एवरीबॉडी इज पॉजिटिव इन माय हाउस, तो मैं कैसे बच सकती हूँ, और आई हैव ऑल द सिम्टम्स, शायद मैं कॉल्स नहीं। चलिए अपन लोग असेंशियल मिनरल्स जो है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। एक तो इस चैप्टर में मैं शुरुआत जहाँ से करूँगी मैं आपको बता देती हूँ। सुनिएगा बेटा ध्यान से, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। थैंक यू बच्चा, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। आपने हाइड्रोपोनिक्स सुनिए अभी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। ठीक है, इन सब बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट आवर क्लास। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बेटा, हाइड्रोपोनिक्स नाम की कोई टेक्निक है। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर टेक्निक का क्या रोल है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक सेकेंड में, एक मिनट देख लूँ यहाँ पर यूट्यूब सेशन ऑन करके कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सो वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास विदाउट एनी। जैसे कि किस प्लांट्स के अंदर, वो पूरा जो चार्ट है वो बकायदा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और मैं आपको बताऊंगी भी कि आप कैसे उस चीज़ को याद रखेंगे। वो ट्रिक मैं आज की क्लास में आपको दे दूंगी। हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है, इसमें होता क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है बेटा। हाइड्रोपोनिक्स से ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोपोनिक्स आप लिख लेना क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे किस प्लांट में कितना मिनरल न्यूट्रिशन की जरूरत है, किस मिनरल का कभी से क्या होता है, उस मिनरल का कितने अमाउंट में होना जरूरी है, अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से कम होगा तो क्या होगा, उस मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या होता है, उसके सिम्टोम्स क्या आते हैं, उसके लिए हाइड्रोपोनिक्स नाम की एक टेक्निक है बेटा। ये इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स जो है इसमें हम प्लांट को, दिस टेक्निक फॉर ये, इसमें आप प्लांट को, दिस टेक्निक ऑफ द ग्रोइंग प्लांट्स, आप इसको प्लांट्स के अंदर एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल आप प्लांट को ग्रो करवाते हैं, दिस इज द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। देखो लिखा है, साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो काम चलेगा। जैसे दे रखा है जूलियस वॉन सेक, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये पता किया, ही कुड डेमोन्स्ट्रेट दैट कि प्लांट को, दैट प्लांट्स इट कुड बी ग्रोन अप टू मेच्योरिटी, ये प्लांट को आप मेच्योरिटी तक एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, सॉइल के कंप्लीट एब्सेंस के अंदर आप ग्रो करवा सकते हैं। ये जो टेक्निक है प्लांट्स को ग्रो करवाने की, इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल इन न्यूट्रिएंट एनरिच्ड सॉल्यूशन, इसी को हम कहते हैं बेटा हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें लिखा है आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में आपको समझ में आ गया। दूसरा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आपको कैसे पता लगेंगे कौन से ये मैं लेकर आती हूँ, मैं हैंड रिटन को लेकर आ रही हूँ। अब
अब हम बात करते हैं ना असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है क्राइटेरिया ऑफ फॉर असेंशियलिटी से, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है असेंशियलिटी का, किस बेस पर आप कहोगे कि असेंशियल एलिमेंट है या नहीं है, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी। ठीक है, तो चलो क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं असेंशियलिटी के। सबसे पहली चीज तो बेटा ये कि एक तो मिनरल जो है, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब वो इररिप्लेसेबल होना चाहिए, उसकी एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को ही कंप्लीट ना कर सके, मतलब वो जरूरी ही है, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे असेंशियल एलिमेंट। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उस एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को ही ना कंप्लीट कर सके, तो एक तो ये एक क्राइटेरिया है आपके असेंशियलिटी के लिए। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया आपके असेंशियलिटी के लिए। जो भी एलिमेंट है इट मस्ट बी एब्सोल्यूटली नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूटली नेसेसरी। ठीक है, एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर एक नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उसकी एब्सेंस में वो अगर ना हो पाए, एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट के एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को, इन एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट ना हो तो उसकी एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इन एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट्स प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ये क्राइटेरिया एक तो असेंशियलिटी का। दूसरा क्राइटेरिया अगर हम बात करें बेटा, तो एलिमेंट जो भी है जिसको आप कह रहे हो असेंशियल एलिमेंट है, वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व must be directly involved in the metabolism of plant. काढ़ा पी रही हूँ यार। ठीक है, दूसरा जो क्राइटेरिया है ये वो यही था। अब तीसरा जो क्राइटेरिया है असेंशियलिटी का बेटा, वो ये है कि उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट इतनी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि उस चीज की कमी को कोई दूसरा ना पूरा कर सके, यानी कि उसको इररिप्लेसेबल हो, ऐसा नहीं कि इसकी कमी है तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया फॉर द असेंशियलिटी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी है वो ये है the requirement of element
रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट जो है इट मस्ट बी स्पेसिफिक, ठीक है, इट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल, एंड इट मस्ट बी नॉट रिप्लेसेबल बाय अनादर एलिमेंट। तो ये एक क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द एसेंशियलिटी, ठीक है बेटा। क्या है, सिंपल सी चीजें डिस्कस की हमने कि कोई भी एलिमेंट, असेंशियल एलिमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे ना, 17 असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 17 असेंशियल एलिमेंट है, तो वो उन 17 को आपने किस बेसिस पर ये कह दिया कि दीज आर द असेंशियल एलिमेंट। तो उसका क्राइटेरिया हमने बताया कि एलिमेंट बहुत जरूरी, एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उस एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। एलिमेंट्स जो है इट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। दूसरा, उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब उसकी जगह कोई और ना ले पाए, नॉट रिप्लेसेबल बाय अनादर एलिमेंट। दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ठीक है। अब इस बेसिस पर हम अगर बात करें तो आप लोग सबको अच्छे से पता होगा कि आपके 17 असेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वी हैव 17 असेंशियल एलिमेंट्स, नोट फॉर दे 17 असेंशियल एलिमेंट्स है, और इन 17 असेंशियल एलिमेंट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। जो 17 असेंशियल एलिमेंट्स है इनको बेटा दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। इनकी भी अगर हम बात करें इनकी दो कैटेगरीज है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पर दो टाइप है, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक है बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दो टाइप है इसके। अब इसमें जो सबसे पहला जो है दैट इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये प्लांट्स को बेटा लगभग 10 मिलीमोल पर केजी, टेन मिलीमोल पर केजी इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर, इतना इनका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, मतलब इतनी क्वांटिटी में ये आपको चाहिए होते हैं, ठीक। ये तो इसका है, इसकी मैं बात करूं माइक्रो न्यूट्रिएंट तो ये 10 मिली मोल पर केजी इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर से कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट को इट इज लेस देन, इनका रिक्वायरमेंट इतना है 10 10 मिली मोल पर केजी ड्राई मैटर, इससे कम है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, मोर देन इससे ज्यादा है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि कौन कौन से हैं,
शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें बेटा कौन कौन से आपके 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप पढ़ते हैं, व्हाट वर दे? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है एंड मैग्नीशियम है। ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। मीनाक्षी रावत पूछ रही हैं, मैम नीट पोस्टपोन्ड हो रहा है क्या? इसका जवाब मैं आपको अभी देती हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। एक्चुअली शायद मान्या मेरी बेटी जो है उठ गई है, मैं बोल देती हूँ यहाँ पर मेरे पास जो भी हाउस हेल्प फिलहाल है कि वो उसको यहाँ इस घर से कहीं और शिफ्ट कर दे, ठीक है, उसकी मैटरनल होम पर, मेरी उसकी नानी के घर, क्योंकि ये जगह काफ़ी इंफेक्टेड है अब, ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर पॉजिटिव। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी देयर इन फ्यू सेकेंड्स, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। यस बच्चों, आई एम बैक। हाँ बच्चों, थैंक यू बेटा। आप अभी घर में सीन ही ऐसा चल रहा है, मतलब पता ही नहीं क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था ये सब कंडीशंस इस तरीके से हम लोग को फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, जो तुम लोग बोल रहे हो कि नीट पीजी तो हो चुका है बेटा, ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है वहां से, तो नीट पीजी पोस्टपोन हो गया है। नीट यूजी के लिए फिलहाल कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो नहीं है, लेकिन अब तुम प्लीज इसको अदरवाइज मत ले जाना, कोई इम्पोर्ट वो तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी तो है, बनती यही है कि आपका एग्जाम भी पोस्टपोन जिस हिसाब से कंडीशंस चल रही हैं भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, और मैं टेलीग्राम पर सब कुछ अनाउंस कर दूंगी अभी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 17 में से 9 तो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, 8 आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। व्हाट वर दे? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? फटाफट से, फटाफट से, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, यस, क्लोरीन, मैंगनीज, मैग्नीशियम इधर है, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम एंड निकल, कितने हो गए? 3, 3, 6, 7, 8 हो गए, ये आपके 8 असेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम एंड निकल, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है।
तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे से ये मान के चलो आप क्वेश्चन आ जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्लासेस जब तक मेरी तबीयत ठीक रहेगी पॉजिटिव आने के बावजूद भी, तब तक मैं सेशंस कंटिन्यू करूंगी जब तक मुझे मेरी हेल्थ परमिट करेगी। और ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पर आई विल लेट यू अनाउंस। हो सकता है चीज़ों की वजह से टाइमिंग्स फ्लक्चुएट हो, टाइमिंग्स मैं दूसरे टाइमिंग्स पर मुझे रखना पड़े, तो आई विल लेट यू नो अबाउट ईच एंड एवरी थिंग वेरी सून ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट सेशन जब तक मुझे मेरी हेल्थ परमिट करेगी आई विल टेक, आई विल। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ बेटा ठीक तो नहीं मैम, वो तो 100% श्योर है कि रिपोर्ट तो मेरा नेगेटिव गलत ही आया है। ठीक है आप सुन लो, असेंशियल एलिमेंट्स में से कुछ आपने देखे होंगे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट पर भी क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते क्या हैं पहले तो ये सुन लो। असेंशियल एलिमेंट दैट आर कॉम्पोनेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, उनको आप कहते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, असेंशियल एलिमेंट दैट आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, असेंशियल एलिमेंट्स। आपने सुना होगा कभी क्रिटिकल एलिमेंट और सब पे क्वेश्चन आ जाते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कॉम्पोनेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स दैट आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये आप लिख लीजिए। ये देखो बेटा, इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अरे नहीं नहीं बच्चों ऐसे परेशान मत हो, क्लासेस चलेंगी जहाँ तक मतलब रहेगा तो क्लासेस चलेंगी। ठीक है, अब ये आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स मैं आपको बता चुकी। अब एक जो क्वेश्चन कई बार आ जाता है ये आप डायरेक्टली मोबिलिटी के बेसिस पर, आपने ये क्वेश्चन देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ द प्लांट। मैं आपको बताती हूँ, हाईली मोबाइल एलिमेंट है कुछ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, इनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं ये सबसे पहले ओल्ड टिश्यूज में आपको देखने को मिलते हैं, इनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम है फर्स्ट अपीयर इन द ओल्ड टिश्यू, इनके जो डेफिशिएंसी सिम्टोम्स हैं। ठीक है, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम जो है एलिमेंट्स जो है ये एक्टिव मोबाइल एलिमेंट्स हैं, दीज आर द मोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, ये मोबाइल एलिमेंट्स हैं, इन मोबाइल एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहले, अपीयर फर्स्ट। मैम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के कवर कर रही हूँ, ओल्ड पार्ट। ठीक है, सबसे पहले जो डेफी हाईली मोबाइल एलिमेंट है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले आपको ओल्ड पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। और ये जो आपके कुछ इमोबाइल एलिमेंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम, यार ये पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ इमोबाइल एलिमेंट्स है बेटा जैसे कि कैल्शियम, ये कैल्शियम जो है ना इसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, कैल्शियम के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं ये
मिलेंगे आपको सबसे पहले यंग प्लांट पार्ट्स में देखने को, फर्स्ट अपियरिंग। और कैल्शियम जो है बेटा, ये आपका इमोबाइल एलिमेंट है। एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बनता है, एनसीईआरटी में एज इट इज ये आपका दे रखा है, ठीक है। एक आप ये भी देख लो बेटा, क्रिटिकल एलिमेंट कौन से हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रिटिकल एलिमेंट कौन कौन से हैं, आपने कई बार क्वेश्चन देखा हो क्रिटिकल एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो आई विल लेट यू नो अबाउट क्रिटिकल एलिमेंट्स की मैं बात करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये आपके क्रिटिकल एलिमेंट है क्योंकि ये हाई डोज के अंदर चाहिए होते हैं, दीज आर द क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है। फ्रेमवर्क एलिमेंट मैं आपको बता चुकी, शायद नहीं बताया तो वापस लिख लो, फ्रेमवर्क एलिमेंट आपके ये है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपके फ्रेमवर्क एलिमेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बीच बीच में ऐसा हो जाता है, कर लोगे, ये आपके फ्रेमवर्क एलिमेंट है। फिर हम कुछ प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट भी पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। कुछ आप पढ़ते हो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट कौन से हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, देख लो ऑनलाइन तुम पढ़ पा रहे हो, नहीं तो मेरी क्लास में आज एक भी बच्चा नजर नहीं आता। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी मैं करवा पा रही हूँ, एक भी बच्चा नजर नहीं आता आज क्लास में, पूरी क्लास खाली होती, मैम क्लास नहीं ले पाती, ठीक है। हाँ, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये आपके प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, तो ये आप ध्यान रखना कि ये कौन कौन से, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको वो जो पूरा चार्ट है मिनरल न्यूट्रिशन वाला, साहिल में आता मास्क लगा के, अरे मैम ही नहीं आ पाती, मुझे नहीं हो पाता मास्क लगा के, कहाँ आती, कोई नहीं आता, ठीक है। चलो तो ये आपके प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स भी मैं डिस्कस कर चुकी, नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ ये पूरा चार्ट विद ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैं ट्रिक के साथ आपको करवा रही हूँ किस तरीके से। सुनो अब एक एक करते जाओ, राहुल बोल रहा है मैं भी आ जाता, अच्छा चलो ठीक है। और मैं आपको ना जल्दी टेलीग्राम पर सारी टाइमिंग्स अनाउंस कर दूंगी, रात 9:30 बजे भी सेशन तो कर ही लेंगे, 9 बजे ही कर लेंगे अब, ठीक है। बस पीयू को रिप्लेस कर दूं, मैं घर में से शिफ्ट कर दूं, तो बस फिर ठीक है, पीयू अभी जा रही है, पीयू चली जाए, और मेरा भी देखो आ जाए, तो अभी पीयू के चक्कर में ना मेरा स्टूडियो कैप्चर्ड है, बाय बच्चे, पीयू के चक्कर में मेरा स्टूडियो कैप्चर्ड है, यहाँ से कोई गया डॉक्टर ठकरारी, आप अपने डॉग्स को भी मास्क लगा के रख रहे हैं, सही है, अभी हो जाएगा तो वो सर्कल के ऊपर मूव ऑन किया हुआ था स्टूडियो में, अब स्टूडियो में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, एक्चुअली मेरा स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पर है, और ग्राउंड फ्लोर पर क्योंकि मेरी बेटी भी यहाँ पर ही थी, तो वो थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि वो फिर वो सब जगह घूमती है, पापा पापा करते हुए सब जगह घूमती है वो, तो उनको यहाँ रखना सेफ नहीं था ग्राउंड फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया उन्हें, स्टूडियो में शिफ्ट हो गए थे मेरे, अब स्टूडियो में चली जाऊंगी, सर पे लटा ले डाल देंगे, ठीक है चलो ठीक है चलो देखते हैं आज क्या आता है टेस्ट में। एक्चुअली तो गला खराब होना एज एन एडुकेटर कोरोना का सिम्टम से ज्यादा ये तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ का सिम्टम है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि असलियत क्या है, बट सब पॉजिटिव है ना, इसीलिए थोड़ा सा फैक्टर ऑफ डाउट है और कुछ नहीं, तो इस गला खराब होना हमारे लिए तो नॉर्मल ही चीज है, हमेशा ही खराब रहता है, कौन सी नई बात है हमारे लिए,
दिस इज नथिंग, ठीक है। लेकिन बेटा आप लोग अपना ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। और आज का टेस्ट का टॉपिक बता देती हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल रहे थे ना, आज स्पेशल क्लास डालूंगी डालूंगी, चिंता मत करो, स्पेशल क्लास होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बस इसलिए कह रही हूँ, दुआओं में याद रखना भाई, दुआ करना कि हॉस्पिटल एडमिट होने तक की नौबत ना आए, बस घर में ही ठीक हो जाए कोरोना तो ठीक है, तो फिर क्लासेस चलती रहेंगी कोरोना में भी, चिंता मत करो, ठीक है। तुम लोग ऑनलाइन क्लास ले लेना, मास्क लगा के अटेंड कर लेना, ठीक है। चलो अल्बर्ट आइंस्टीन हम कोरोना के बाप है। हाँ बच्चों बस मतलब अगर तबीयत ऐसे बहुत सीरियस कंडीशन में नहीं हुई ना, जब तक मैम को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ जाए, तब तक तुम्हारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो कंडीशन अब ऐसी हो ही गई, मान लो ब्रीथिंग इश्यूज और ये कुछ फालतू की दिक्कतें आने लग गई, तो फिर समझ जाना कि तभी वही सिनेरियो है, पॉजिटिव आने के बाद भी क्लासेस को कंटिन्यू रख लूंगी, ठीक है। राहुल ठीक है बेटा, और टेलीग्राम पर अपडेट मिलता रहेगा, और 31 को तो मैं लाइव भी आ रही हूँ, टेलीग्राम पर सब बता दूंगी, ठीक है। चलो 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 आ जाओ, ट्रिक ट्रिक मेरे पुराने स्टूडेंट्स को तो पता होगा, सबसे पहले मैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स के ट्रिक बता रही हूँ, तुम लोग को भी इसमें मजा नहीं आ रहा होगा ना पढ़ने में, पर ठीक है मैडम की हालत ही ऐसी हो रखी है तो तुम एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कंडीशन इतनी बढ़िया तो नहीं है, मैं तुम्हें बताऊँ बॉडी एक और ये सब सिम्टम्स को है मैम को भी, खैर पढ़ लेंगे हम, ठीक है। चलो सुनो, अभी यहाँ पर सबसे पहले जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसे याद करने मैं बता रही हूँ, हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम तुम पढ़ोगे, क्लोरोसिस, ठीक है, बहुत सारों के पढ़ोगे क्लोरोसिस। सबसे पहले अपन रट लेंगे कि किन किन के डेफिशिएंसी सिम्टम में क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगा। बेटा एक तो ये आपको देखने को मिलेगा क्लोरोसिस नाइट्रोजन का, ये एक साथ लिख लो, क्लोरोसिस किस किस का है, आपको नाइट्रोजन का देखने को मिलेगा, ये पोटेशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम में आपको क्लोरोसिस जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन में देखने को मिलता है, पोटेशियम में देखने को मिलेगा, क्लोरोसिस मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स में भी आपको देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम के अंदर भी डेफिशिएंसी सिम्टम में क्लोरोसिस आपको देखने को मिलता है, सल्फर की में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इंटरवीनल क्लोरोसिस, आयरन की में भी आता है। अरे यार ये क्या हो रहा है, बट इतने शायद तुम्हारे तो इसमें होंगे ही, देख लेंगे, ठीक है। मैंगनीज की में भी क्लोरोसिस है, जिंक की में भी क्लोरोसिस है, मैं इन सब की मैं बता दूं तो अगर, ठीक है। वैसे इतने तुम नहीं पढ़ते तो मैं तो इधर का ही बताऊंगा, तो देखो इसका अपन हाईलाइट करें ना अगर सिर्फ, तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो अपन पढ़ते हैं, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ यहाँ पर। देखो नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम क्लोरोसिस है आपका, ठीक है, नाइट्रोजन में डेफिशिएंसी सिम्टम में क्लोरोसिस है, सल्फर के अंदर क्लोरोसिस है, तो ये सल्फर वाला भी करो, सल्फर की डेफिशिएंसी सिम्टम में क्लोरोसिस है, ये रखा है चार्ट में, सल्फर का भी क्लोरोसिस है। इधर देखो फास्फोरस की बात करो, हटाओ, फास्फोरस में नहीं है, कैल्शियम में नहीं है, ठीक है, मॉलिब्डेनम में नहीं है, ये देखो पोटेशियम के अंदर है, मैग्नीशियम के अंदर है, तो ये देखो हमने पोटेशियम मैग्नीशियम भी डाल दिया, इधर ये रहा, ये पोटेशियम के अंदर भी है, पोटेशियम में भी है, मैग्नीशियम में भी है, और मैंगनीज और जिंक में भी दिख जाएगा तुम्हें, ये मॉलिब्डेनम में नहीं है, पोटेशियम में है, मैग्नीशियम में है, ये देखो मैंगनीज का नहीं दे रखा, मत करो फिर तुम, ठीक है, जिंक का भी नहीं दे रखा होगा इसमें, जिंक में भी नहीं दे रखा, तुम सिर्फ इतना याद कर लेना, मैंगनीज और जिंक मैं खुद इरेज कर देती हूँ, वैसे उसमें भी आता तो है, बट मैं तुम्हारे नीट एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से करवा देती हूँ। इनमें तो एज इट इज, ये आप जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ आप कर लो, एज इट इज आप याद रखोगे, ठीक है, एज इट इज ये याद रखोगे कि आपका नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनका डेफिशिएंसी सिम्टम डायरेक्टली याद रखोगे कि इसके अंदर आपको क्लोरोसिस जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो बेटा इसके अंदर जो दे रखा है, तो ये नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी, पहले मैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ही याद करवा रही हूँ, नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम क्लोरोसिस है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली हमें यहाँ से हो गया। फिर सल्फर की बात करें,
सल्फर का डेफिशिएंसी सिम्टम आपका क्लोरोसिस है, इसको भी अपन को याद रखने की जरूरत नहीं, ये भी डायरेक्टली हमने यहीं से कर लिया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं फॉस्फोरस की तरफ। इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा जो है, फॉस्फोरस में आप याद रखोगे पी फॉर फॉस्फोरस एंड पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल। पी फॉर फॉस्फोरस एंड पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल, पहला वर्ड पी से फॉस्फोरस एंड पी से प्रीमेच्योर लीफ फॉल, ऐसे आप याद रखोगे फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी सिम्टम। ऑप्शंस आते हैं ना, आपको याद होगा एक में नेक्रोसिस है, एक में क्लोरोसिस है, एक में प्रीमेच्योर लीफ फॉल फॉल है, एक में विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर है, एक में इरेगुलर सेल डिवीजन है। ये सब बातें आपको याद रहती है, जो याद नहीं रहता है वो ये है कि किसका डेफिशिएंसी सिम्टोम क्या था। उसको याद रखने का सीधा सा तरीका हमने देखा, क्लोरोसिस और क्लोरोसिस बहुत सारे एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आप पढ़ोगे, तो सिंपल से रख लिया नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर, डायरेक्टली याद कर लिया कि इन सब के डेफिशिएंसी सिम्टम की मैं बात करूं, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर, इन सब के डेफिशिएंसी सिम्टम डायरेक्टली आपने याद कर लिया कि क्लोरोसिस आता है। फिर तो नाइट्रोजन और सल्फर ये तो यहाँ से इस वाला स्लाइड में खत्म हो गया। फिर हमने बात करा फॉस्फोरस के बारे में, तो पी फॉर फॉस्फोरस एंड पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल, ठीक है, पी फॉर फॉस्फोरस एंड पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल, तो आपको ये याद रह जाएगा कि भाई ये फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी सिम्टम, ठीक है, जो पी से फॉस्फोरस एंड पी से प्रीमेच्योर लीफ फॉल। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कैल्शियम के बारे में, सी फॉर कैल्शियम एंड सी फॉर सेल डिवीजन, ये भी आप ऐसे याद रखोगे तो सेल डिवीजन ही इरेगुलर हो जाएगा, ये ऐसे याद होगे। पी फॉर फॉस्फोरस एंड पी फॉर प्रीमेच्योर लीफ फॉल, सी फॉर कैल्शियम एंड सी फॉर सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के अंदर इरेगुलरिटी होगी, सेल डिवीजन के अंदर इरेगुलरिटी होगी, कैल्शियम ऐसे याद रखोगे। मॉलिबिडनम को याद रखने का तरीका क्या है बेटा, मॉलिबिडनम की अगर मैं बात करूं, मॉलिबिडनम की अगर मैं बात करूं तो बेटा एम फॉर मॉलिबिडनम, और एम को आप उल्टा, जब हम छोटे बच्चे थे ना, जब आप सब छोटे थे तो आप सब ना बी को ऐसे की जगह ऐसे बनाते थे, मेरा मेरी जो बच्ची है वो भी ऐसे ही करती है, बी को ऐसे की जगह ऐसे बनाते थे, मतलब हमें उल्टा लिखने की आदत रही है, ई को आप भूल जाते होंगे, ऐसे की जगह ऐसे बना देते होंगे, बच्चा उल्टा लिखता है, यू को बोलती हूँ फाइव को कई बार ऐसे की जगह ऐसे बना देती है, मतलब सब बच्चों की दिक्कत होती है, हम मिरर इमेज पता नहीं क्यों बनाते हैं। तो ऐसे ही हम जब छोटे बच्चे तो हर चीज को उल्टा लिखा करते थे, तो एम से मॉलिबिडनम, एम को उल्टा करोगे तो डब्ल्यू लिखा ही आएगा, तो डब्ल्यू से विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है, डब्ल्यू से है विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। ठीक, पोटेशियम मुझे याद रखना नहीं, मैं ऑलरेडी वहां लिख चुकी कि इसका डेफिशिएंसी सिम्टम जो है पोटेशियम का, इट इज क्लोरोसिस, तो ऑलरेडी ये आता है हमें, इसको सिर्फ ऐसे एम से मॉलिबेडनम और एम का उल्टा डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू से विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर का डेफिशिएंसी सिम्टम हो गया। मैग्नीशियम भी याद नहीं रखना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये, कि मैग्नीशियम में भी हम वही लिख चुके ना पहली वाली स्लाइड में, इसका भी मैग्नीशियम और आयरन, मैंने आयरन हटा दिया था ना बाद में, लिख लो ये तो तुम्हारे चार्ट में दे रखा है जितना है उतना, मैग्नीशियम आयरन दोनों का डेफिशिएंसी सिम्टम आपके ये रहा, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन, इतना तो ऑलरेडी, इतने जो हमने पढ़ ली उन सब में, सल्फर ये क्लोरोसिस और इंटरमिनल क्लोरोसिस ही है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा पढ़े कि पी से फॉस्फोरस एंड पी से प्रीमेच्योर लीफ फॉल, सी से कैल्शियम एंड सी से सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में इरेगुलरिटी होगी, एम से मॉलिबिडनम, मॉलिबिडनम जब हम छोटे थे हम हर चीज को उल्टा लिखा करते थे, तो एम का उल्टा लिखोगे तो डब्ल्यू से विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, फिर इसमें बाकी चार्ट में पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन दे रखा है जो ऑलरेडी हम याद कर चुके, एम से मैंगनीज, नेक्स्ट ट्रिक सुन लो, एम से मैंगनीज एंड एम से मैंगनीज एंड एम से ही मार्श, तो मार्श स्पॉट ऑफ पी, एम से मैंगनीज एंड एम से मार्श स्पॉट ऑफ पी, ठीक है, तो ये आपका डेफिशिएंसी सिम्टोम्स के एग्जांपल है। फिर आगे जो इसमें दे रखा है, आगे जो इसमें दे रखा है बेटा, बी से बोरोन, बेटा बोरोन में ये जो इनके फंक्शन रिलेटेड है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, इसकी ट्रिक मैं अभी यही बता दूंगी। बी से बोरोन, बी के बाद सी आता है, तो बी से बोरोन, एक बी से ब्राउन हार्ट रॉट डिसीज भी, और बी के बाद सी आता है तो सी से कॉपरी कलर भी होता है, ऐसे आप याद रख लोगे, हाँ आज क्विज होगा। फिर बी से बोरोन, इसका यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है,
शुगर ट्रांसलोकेशन के अंदर इसका रोल है, बेहद इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आप एग्जाम में देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन शुगर ट्रांसलोकेशन के अंदर और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के अंदर भी इसका रोल है। ये दो फंक्शंस बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। बी से बोरोन एंड बी से बोरोन एंड बोरिंग, ये बहुत इट साउंड्स लाइक सिमिलर। ठीक है, बी से ही बोरोन और बी से बोरिंग कोटा में कोई आके पढ़ा होगा, या फिर आप कभी जब घर से दूर रहते हो ना, अभी हम भले ही कितना ही नाटक करें खाने के लिए, आपको बाद में पता लगेगा कि भाई मैस का खाना बहुत बोरिंग होता है। तो बोरिंग है, ट्रिक है, बोरिंग है मैस का खाना, मम्मी के हाथ का फिर सब अच्छा लगेगा। तो खाना इज द शुगर ट्रांसलोकेशन, फूड कंडक्शन स्वयं करवाता है ना, तो की रोल इन शुगर ट्रांसलोकेशन, ये इसका रोल है। ऐसे याद रखोगे, बी से बोरोन, बोरिंग है मैस का खाना, खाना इज द शुगर ट्रांसलोकेशन, ये याद हो जाएगा। दूसरा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में इसका रोल है, हम लाइफ साइकिल में पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, तो वहीं का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो ये ऐसे आप फंक्शन याद रख लोगे। और ट्रिक, बी से बोरोन, बी से ही ब्राउन कलर होता है, बी के बाद सी आता है, तो सी से कॉपरी, तो ब्राउन हार्ट रॉट डिसीज एंड कॉपरी लीव्स, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, सी से कॉपर, नेक्स्ट जो ट्रिक है यहाँ पर, ये देखो ये कॉपर CNG ट्रिक है। CNG गैस पर दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को CNG पर स्विच कर दिया था, तो CNG में C फॉर कॉपर और N फॉर नेक्रोसिस, N फॉर नेक्रोसिस, CNG ये ट्रिक है, C फॉर कॉपर एंड N फॉर नेक्रोसिस, तो CNG गैस ट्रिक है इसमें, CNG। ठीक है, CNG गैस ट्रिक है, ये याद रखिए। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट सुनो, जिंक, जिंक मैं डिस्कस करूंगी इसके बाद। चलो बेटा, अभी तो पूरा नहीं हो पाएगा, दूसरे क्लास का भी मैं सेशन ओवर कर देती हूँ। ठीक है, दिन में क्लास लगा लूंगी मैं, आई विल अनाउंस इट वेरी सून ऑन माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मेरे को टेस्ट के लिए भी जाना है दोबारा से। ठीक है, और अभी इतनी तो थोड़ी सी दिक्कत ये तो हो रही है कि मैं ज़्यादा सेशन लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ब्रीथिंग इशू हो जाता है, तो इसलिए अभी हम इस क्लास को ओवर कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है दिन में ही आज इसकी क्लास लगा के ये चैप्टर खत्म करके इसका क्विज हम दिन में ही कर लेंगे, लेट्स क्रैक नीट यूजी पर ही, जिसका लिंक और मैं बहुत जल्द आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूँगी। ठीक है बच्चों, चलो अभी मैं अभी हॉस्पिटल जाती हूँ चेकअप के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, आई विल अनाउंस ऑन द टेलीग्राम। ठीक है, इसी का क्विज, मिनरल न्यूट्रिशन और जो रह गया है उसका क्विज तो आज लेकर आई जाती हूँ, क्विज तो आज करवाई देती हूँ लेग्स क्रैक पर। ठीक है, रात को वो भी कर लेंगे, स्पेशल क्लास भी लगा दूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।